सो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका आज चैप्टर नंबर जो 12 है कि 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। जैसे टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो प्रोड्यूस करने की जो सिस्टम है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जिंदा जीव है उन सब में ये कैरेक्टरिस्टिक थिंक है। कि जैसे बिल्ली है तो वो भी जो अपने बिल्ली मतलब कि जो बेबी बिल्ली होते हैं उनको जन्म देते हैं, फिर डॉग है तो वो बेबी डॉग को सॉरी बेबी डॉग को जन्म देते हैं, मतलब कि जो जन्म देने की प्रोसेस है, ठीक है, कि अपना वंशज आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन इन दिस इन क्लास 6, तो आपने ये क्लास 6 में स्टडी किया होगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। तो जो ये प्रोडक्शन है कि न्यू इंडिविजुअल की, वो जो पेरेंट्स होते हैं जो प्रक्रिया होती है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ डू यू प्लांट्स प्रिप्रोड सॉरी बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि वो कैसे आगे बढ़ता है उन सबका जो मतलब कि जो दूसरे प्लांट्स हैं या फिर उनमें से जो प्लांट्स वगैरह बनते हैं वो। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शॉल लर्न इन दिस चैप्टर। तो जो प्लांट में ये प्रोसेस होती है प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की, जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में होती है वो हम देखेंगे। मोड्स ऑफ तो जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है 12.1। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आपने क्लास 6 में जो प्लांट्स के जो फ्लावरिंग प्लांट पार्ट्स होते हैं उन सब के बारे में आपने स्टडी किया। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट फंक्शन ऑफ इच। तो हम सबको उनके फंक्शन वगैरह को याद करने के लिए बताया गया है कि आप लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा। मॉट्स प्लांट्स हैव रूट्स स्टीम्स एंड लीव्स। तो जो ढेर सारे सॉरी जो प्लांट्स होते हैं उनके ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, तो जिसमें मेन कौन से होते हैं, रूट्स है, जैसे मूड है, स्टेम माने तना, और लीव्स माने जिसे हम लीफ कहते हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो ये पार्ट्स होते हैं रूट स्टीम्स लीव, वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। तो कुछ टाइम की ग्रोथ के बाद, कुछ टाइम की वृद्धि के बाद जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स उसमें जो ग्रोथ करते हैं। यू मे हैव सीन इन मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। तो आपने जो मैंगो ट्री है, ठीक है, जो मैंगो ट्री में आपने स्प्रिंग की सीजन में उसमें फ्लावरिंग आते हुए देखा होगा। स्प्रिंग की सीजन माने जो अप्रैल वाली जो सीजन होती है ना, उसमें आपने जो प्लांट्स हैं जो मैंगो प्लांट्स हैं उसमें आपने फ्लावर आते देखा होगा। इट इज़ दिस फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। तो जो फ्लावर आता है ना उसी में से ही हमको जो मैंगो सीड मिलता है सॉरी मैंगो फ्रूट मिलता है, ठीक है, जो मैंगो फ्रूट मिलता है वो फ्लावर में से ही मिलता है हमको। जो फर्स्ट वो फ्लावर होता है फिर उसके बाद वो प्रोसेस के बाद मैंगो फ्रूट बन जाता है। वी एट द फ्रूट एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड्स। तो हम जो आम होता है जो मैंगो होता है उसको हम खा लेते हैं, जो उसका सीड होता है उसको हम फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स। तो जो सीड होता है वो क्या, वो जर्मिनेट होता है मतलब कि उसकी प्रोसेस होती है, ग्रोथ होती है। तो हम जो सीड होते हैं ना उसको हम उगाते हैं या फिर हम जो उसकी प्रोसेस करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो प्लांट्स हो जाता है। सो वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स। तो जो फ्लावर का इसमें फंक्शन क्या है, फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन बता रहा है कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो फ्लावर। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। उसके बाद देर आर सर्वल वे सॉरी देर आर सर्वल सॉरी देर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। तो जो प्लांट्स के वे हैं कि उसके जो तरीके वगैरह हैं, दीज आर कैटेगरीज इंटू टू टाइप्स। तो उसके दो पार्ट्स हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके दो पार्ट्स हैं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विथआउट सीड। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो प्लांट्स है वो जो न्यू प्लांट प्लांट देता है वो किस से जो सीड होते हैं उसके बिना देता है, ठीक है,
तो ऐसे प्लांट्स असेक्सुअल में आते हैं जो सीड के बिना रिप्रोडक्शन में प्रोसेस करते हैं। वेयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड। तो न्यू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि उसमें प्लांट्स में सीड अवेलेबल होते हैं, जो न्यू प्लांट्स में होते हैं वो। उसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो विदाउट सीड के माध्यम से बनते हैं, सीड की हेल्प से नहीं बनते, बीज की हेल्प से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स। तो जो ये प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसमें क्या होता है वो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं, रूट्स की, स्टीम्स की, लीव्स की, बर्ड्स की। सिंस रिप्रोडक्शन इन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज़ अ नॉन एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो प्लांट्स में वेजिटेटिव जो भाग है, हमने अभी अभी देखा ना कि जो ये तीन जो भाग हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, तो उसको वेजिटेटिव जो पार्ट्स में जो ये प्रोसेस होती है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है, जैसे रूट्स है, स्टीम है, लीव्स है, बर्ड्स है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का हम देखेंगे, कि आज थोड़ी स्टार्टिंग ही आपको समझानी थी कि जो रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है प्लांट्स में, इनमें जो पार्ट्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जो हमने पार्ट्स देखे, ठीक है, जो थ्री मेन, अब तो फोर हो गए हैं, रूट, स्टीम्स, लीव्स एंड बर्ड्स वाले, ये चार आपको याद रखने होंगे, आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी जो वर्कबुक में आपको बाकी रह गए हैं वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो OMR टाइप के हैं, कि जैसे फर्स्ट में डी आ रहा है तो ऐसे 6 क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं आपकी वर्कबुक में, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चन है वो आपको लिख लेने, फिर ट्रू फॉल्स, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 15 है कि शॉर्ट में लिखने हैं, 1 सेंटेंस में, उनके भी आंसर मैंने यहाँ पे नीचे दे दिए हैं, ठीक है। ये जो है फर्स्ट का है, फिर बाद में सेकंड से लेके 6 तक के क्वेश्चन क्वेश्चन के आंसर है, फिर 7 से 9 तक क्वेश्चन के आंसर है, फिर जो 10 से 11 का, और जो 12 13 का, और जो 14 एंड 15 है उसका भी आंसर यहीं पे लिखा है। तो 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन के आंसर नीचे, आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो आपको एक एक के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसके फोटो भेजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।